सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं तुहाडा नकाश चितेवाणी। मैनूं पता बहुत चिर तो सारे दर्शकों नू सरोकार दे नवें एपीसोड की उड़ीक है। जिवें तुसीं जानदे हो कि जिहड़ी एक लड़ी पहलां चल गई हैगी उहदे विच तकरीबन 27 एपीसोड निकल गए ने। 27 दे विचों 3 असी गिणदे नहीं गए क्योंकि वह 3 मैं ते जनाब हरजिंदर बाल होरां ने गज़ल नूं लैके असी आपसी साडा वार्तालाप सी, इहनूं असी गल्लां बातां नाम दित्ता सीगा। एक ज़िहाफ दे लई बनाया सी, एक काफ़ी इहदे नौ अक्खरां दे बारे बनाया सीगा। पर मैं चाहुंदा सीगा कि जिहड़ा साडा सिल्वर जुबली एपीसोड होवे, मतलब 25वां एक मरहला जिहड़ा असी सरोकार दा तुहाडे सामने पेश करिए, उहदे विच कुछ विशेष होवे। विशेष भाव के उहदे विच जिहड़ी साडी टीम है, मतलब जिहड़े लोग मेरे नाल जुड़े हुए ने, जिहड़े मैनू समय समय ते सलाहां दिंदे ने और अपने कीमती समा मेरे उपर खर्च करदे ने, मैं उहनां दा धन्नवाद करां। उहनां विच कुछ नाम ने जिहड़े आम करके मेरा ख्याल है भी बहुते लोगों को पता नहीं है, बहुते दोस्तों को पता नहीं है कि वो किहड़े नाम ने जिहड़े मेरे नाल मेरे सहयोगी ने। वैसे बहुते जिहड़े जिन्हां दीआं बहुते दोस्त जिन्हां दे नाल मैं वार्तालाप कीता आ, जिन्हां दे नाल मैं गलबात कीती आ, वह सिर्फ मैनू ही जानते हैं। क्योंकि बहुती वारी कि आम करके हर वारी ही ये होया है कि कैमरा एडिटिंग लाइटिंग मैं कार भी आप ही ड्राइव करके जाना है, नाल मेरे कोई ना कोई होंदा है, चलो वो वक्री गल हैगी है ना। तो जिहड़ा आम करके सारा काम मैं ही करदा, पर उहदे पिछे भी कुछ साडे सरगर्म मैंबर हैगे, सरगर्म मेरे दोस्त ने, मेरे साथी ने, जिहड़े मैनूं इस प्रोग्राम नूं वधिया तरीके नाल चलाउण दे लई और बहुत सारे लोगों दे नाल राबता कायम करन दे लई मैनू प्रेरदे भी रहिंदे ने, मैनू हौसला भी दिंदे ने और मेरी जिहड़ी मानसिक मदद भी करदे ने कि चलो जिद्दां मर्जी आ, जिस तरीके नाल मर्जी, पर पिछे नहीं हटणा। उहनां विच सब तो पहला नाम लैणा चाहांगा कि मैं संदीप ब्यास भाजी दा, उहनां दा नाम संदीप शर्मा है पर उहनां दी फेसबुक आई डी संदीप ब्यास दे नाम ते आ। बहुत अच्छे गज़ल गोआ BMS डॉक्टर ने, आयुर्वैदिक और होम्योपैथी के डॉक्टर ने, पंछी प्रेमी ने, पंछियों की फोटोग्राफी करते हैं और बड़े बड़े कमाल के फोटोग्राफर ने, बड़े कमाल के इंसान ने। सब तो वड्डी जिहड़ी गल आ, मनुख का सब तो वड्डा जिहड़ा उहदा गुण आ उहदा यही है कि वह कमाल का मनुख होवे। संदीपा जी मेरे तो वड्डे ने उम्र विच भी और तजर्बे विच भी, क्योंकि उन्हां दा तजर्बा साडे नालों बहुत वड्डा है। और हर वारी तकरीबन हर एपीसोड देखण तो बाद उन्हां नूं पता नहीं हुंदा कि मैं की करके आया और मैं किस तरीके नाल किना हालात विच जाके मैं काम कीता जां किना हालात विच जाके एडिटिंग कीती। वो हर वारी एपीसोड देखदे आ, हर वारी एपीसोड देखण तो बाद उन्हां दे जो मन दे विच आउंदा है वो मेरे सिर मत्थे हुंदा है। मतलब जो उन्हां नूं लगदा कि इत्थे साडे वल्लों घाट रह गई, इत्थे जिहदे नाल असीं वार्तालाप करन गए, जिहदे नाल गलबात करन गए सीगे, इत्थे उहदे वल्लों कमी रह गई, वह मैनूं हर पहलू तों मतलब जिन्ने उस मरहले दे विच जिन्ने सकिंट हुंदे आ उस एक एक फ्रेम नूं वाच के वह मैनूं हर पहलू ते अपनी राय दिंदे आ। ते तुहाडे वल्लों दर्शकां वल्लों मैं उहनां दा धन्नवाद करदा। वैसे धन्नवाद रवायती तौर पर ही किया जाता, धन्नवाद की लोड़ नहीं होंगी, जेडे इन्ने प्रेमी होंगे साढ़े उन्होंने धन्नवाद की लोड़ नहीं होंगी। उन्होंने छोटे भाई डॉक्टर बिमल शर्मा, तकरीबन उन्होंने लीहां ते ही संदीप भाजी वाली लीहां ते ही उन्होंने लीहां ते ही वह भी मेरे नाल वार्तालाप, साडा बड़ा लम्मी साडी गलबात होंगी आ कि इतों आ चीज़ रह गई, इत्थे आपां आ कर सकदे सीगे, जां अगले एपीसोड दे विच इह कमी नहीं रहण देणी। इह सारा सेरा जिहड़ा हैगा ना, जिहड़ी दिनों दिन असीं वधिया काम कर रहे हैं, इह दोनों भरावां दा, संदीप ब्यास दा ते डॉक्टर बिमल शर्मा दा। उस तों बाद मेरे गवांढी दो दोस्त ने जिहड़े मैनूं हर वारी जिहड़े वड्डे भरा वांगू टोक लैंदे आ तां मैं मान लैंदा, जनाब हरजिंदर बल जी ते भाजी जगदीश राणा जी।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੜੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਰਾਏਕੋਟੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੋਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣਾ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰੂਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਮਲ ਮੌਕੇ ਬਮੌਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਛੋਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਲ। ਉਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਨਾਬ ਹਰਦਿਆਲ ਸਾਗਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਂਡੇਲ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਖੈਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਮ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਕਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ।
मैं मेरा वो एक विशा भी है कि सीधे सरोकार ते असिधे सरोकार। सीधे सरोकार साढ़े आ टैक्निकली असी जड़ा काम करते हैं, मतलब लाइटिंग आ गई, कैमरा आ गया, एडिटिंग आ गई, ये सारे ना सीधे सरोकार के तौर पर आ। पर तुसी ना तुहानू पता ही नहीं गा कि तुसी देख के असिधे तौर के उपर उहदे नाल जुड़े हुए, तुहाडे सरोकार असिधे तौर पर नाल जुड़े हुए। और तुसी साढ़े नाल साढ़े सहयोगी नालों भी वध मददगार का काम करते हैं। एक दो दोस्त ने जिन्हां ने पहल की कि सरोकार दे लई मैनू आर्थिक सहायता की जाए, उन्हां विच एक नाम इहो जिहा जिहड़ा वो बंदा सोचता कि मैनू मेरा नाम लो ही ना, पर मैं लै लैणा। मेरे दोस्त ने अमरीका वासी रजिंदर जिंद, उन्होंने सब तो पहला एपीसोड भी उन्हों का ही सीगा, और उन्हों की हल्लाशेरी के नाल मैं अगले एपीसोड लिए भी तुर पिया और तुरया रहा और तुरया रहागा। एक मेरे दोस्त ने मेरे छोटे भाई प्रिंस तो ना पट्टी तो ने समाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बड़ा नाम उन्हों का बड़ा बड़ा वड्डा नाम आ, उन्होंने पहल की, उन्होंने मेरे नाल राबता किया कि मैं तुहाडी आर्थिक मदद करना चाहुंदा। वो खैर एक वक्खरा विशा है कि मैं उन्होंने ये कह के मना किया कि भाजी हाले लोड़ नहीं, हाले चल रहा, तो ये चलता ही रहना, मतलब ये उन्होंने जिहड़ी ड्यूटी लाई सी उन्होंने उन्होंने निभाया। मैं उन्होंने कहा कि तुसी आर्थिक मदद करन नालों ये चंगी गल हैगी कि तुसी दोस्तों के नाल इस प्रोग्राम नू शेयर करो, और वो बखूबी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के जिहड़े अगले आने वाले अंक आ, जिहड़े अगले आने वाले मरहले आ, उन्हां विच बहुत सारे नाम इहो जिहे जिहड़े साढ़े ना साढ़े जिहड़ी हुण दी पीढ़ी आ उन्हें सुने नहीं आ, जां वो उन्हां तों जाणू नहीं आ। तो मैं सोचता हाँ कि आप हो सकता कई बार मैं भी ना जाणूंगा, मैनू भी मेरे दोस्त दसते हैं कि तू यार दूसरा बंदा वो बंदा रह गया, उन्हूं साढ़े जड़े समय दे जड़े झखड़ाने या समय दे प्रभाव दे हेठ वो दबिया रह गया। जां कई बार हुंदा ए बड़ी वड्डी बड़ा वड्डा फैक्ट है ये कि एक समय दे विच 10 बंदे जिहड़े हुंदे आ बराबर दा लिखण वाले हुंदे, उहनां विचों एक या दो जिहड़े उह लोकां दे सामणे आ जांदे, बाकी 8 जिहड़े हैगे उह दब्बे रहिंदे आ। और इदां दे जिहड़े अणगौले शायर हैगे, अणगौले लेखक, अणगौले साहित्यकार आ, अणगौले होर भी जिहड़ियां कलावां दे विच माहर लोक हैगे आ, जिहड़े असीं जिहनां नूं असीं नहीं जाण सके जां जिहड़े किसे ना किसे वजह करके लोकां दे सामणे नहीं आ सके, साडी पूरी कोशिश है कि उन्होंने लोगों तुहाडे नाल राबता करवाया जाए, तुहाडे नाल उन्होंने विचारां दी सांझ पाई जाए, उन्होंने जिंदगी दी सांझ पाई जाए, उन्होंने संघर्ष दी सांझ पाई जाए। तो मेरा संघर्ष जारी रहना है सरोकार दे जरिए, आपां मिलदे रहांगे। अगले एपीसोड दी उड़ीक दे लई जिहड़ा लम्मा एक समा मैं विच गवा लिया, उहदे लई मैं तुहाडे तों माफ़ी चाहुंदा हाँ। तो दोस्तों उम्मीद है भी आप जल्दी एक नवे एपीसोड के नाल तुहाडे रूबरू होवांगे। तद तक देखते रहो सरोकार, जिंदाबाद जिंदगी।